मैम मैं स्मोक करता हूँ, क्या ज़्यादा स्मोक करने से मेरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है? क्या स्मोकिंग का कैसा रिलेशनशिप है? क्या दिन में एक पी सकते हैं, महीने में एक पी सकते हैं, कितनी पी सकते हैं? डिटेल में बात करूँगी। अगर आप भी सिगरेट, बीड़ी कुछ भी लेते हैं, चाहे आप ई स्मोक भी लेते हैं, हुक्का लेते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कितनी नॉर्मल है और कितनी मेरे स्टैमिना को ख़राब करती है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आपको देने की कोशिश है। स्मोकर्स जो कि कहीं ना कहीं धुएं को हवा में उड़ाते हैं, क्या डैमेज कर रहे हैं, कितना नॉर्मल है, अंत तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि स्मोकिंग करने का मेरी सेक्स लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। स्मोकिंग सिर्फ सेक्स लाइफ को छोड़िए, आपके हर एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। स्मोकिंग क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स या टार को रिलीज करेगा, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो करते जाएंगे। नैरो मतलब मान लीजिए एक पाइप है और उस पाइप के आसपास इतना सारा काला तार जमा कर देंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड का फ्लो हैम्पर होता है और उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आना या फिर आपके दिमाग की कुछ नसों का ब्लॉक हो जाना या फिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, क्योंकि ब्लड आपके जेनाइटल्स को चाहिए इरेक्शन के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बहुत बार जब हम इरेक्शन के केसेस में सर्च करते हैं तो सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं, और अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं तो इरेक्शन की प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। तो इसलिए जेनाइटल्स में ब्लड फ्लो ना पहुँचना स्मोकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उससे आपकी सेक्स प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज़ है आपके सेक्सुअल हॉर्मोन्स। जैसे हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं हुक्का के बारे में बात कर रही हूँ, ई सिगरेट्स के बारे में भी बात कर रही हूँ। ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को घटाएंगे, साथ साथ आपका जो रिस्पॉन्स आता है, जैसे किसी को देखा तो आपको इरेक्शन आ रहा है या आपका टाइम बढ़ रहा है या फिर आपको जेनाइटल में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है, वो सब घटेगी क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है। फर्टिलिटी घटने वाली है, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, जैसे स्पर्म काम करेगा या उनका काउंट है वो घटने वाला है अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं। फीमेल भी अगर जो स्मोकिंग करती हैं, उनकी वजाइनल ल्यूब्रिकेशन खत्म होती है और आगे बच्चा होने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिजिकल स्टेमिना डेफिनेटली कम होने वाला है। जो स्मोकर करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेमिना रहता है, जितना भाग दौड़ कर सकते हैं, वो डेफिनेटली कम होता है और उसका सेक्सुअल लाइफ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा अगर आपने कर ली है स्मोकिंग और अगर आपको लगता है मेरी दिन में एक पैकेट सिगरेट हो जाती है, मेरे दिन में 5 से 10 बीड़ियाँ हो जाती है, मैं दिन में एक बार तो स्मोकिंग ज़रूर ही करता हूँ और उसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो अभी से सचेत हो जाएं और अभी ऐड करें क्यूरामैन लंग डिटॉक्स। क्यूरामैन लंग डिटॉक्स हमारे लंग्स को प्योरीफाई करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। कोल्ड कफ है या आपको बार बार ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स रहते हैं उसके लिए हेल्प करेगा। ब्रीदिंग को अच्छा करेगा, जो कि म्यूकस या टार हमारे लंग्स में जमा हो गई है उसको करेगा। आयुर्वेदिक क्लिनिकली रिसर्च प्रोडक्ट है। अभी से ही इफ़ यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस तो कोशिश करें कि क्यूरामैन लंग डिटॉक्स कैप्सूल्स को अभी से ऐड करें ताकि अपने स्टेमिना को आप इंक्रीज कर पाएं। साथ साथ के लिए स्मोकिंग को क्विट करें, डायरी प्रोडक्ट्स को ऐड करें, ग्रीन टी को अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करें, जिंजर लें, रॉ लें, जिससे आपके जो लंग्स में जो ब्लॉकेज आ गई है उसे बेटर करेगा। दिन में गर्म पानी ज़रूर पिएं नींबू डाल के मॉर्निंग में, वो आपके लंग्स को प्योरीफाई करता है नेचुरल तरीके से। ये भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। साथ साथ डालें क्यूरामैन का लंग डिटॉक्स और अपने सेक्सुअल स्टैमिना को इंक्रीज करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।